हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं भी ठीक हूँ। फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी मुझे टाइम मिला थोड़ा सा खुद के लिए। तो अभी जो मैं करने वाली हूँ, एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे आई हूँ एंड आज मुझे करना है हेयर वॉश। हेयर की हालत देखिए, पूरा जंगल बन के है हालत। हेयर का जो नॉर्मल एक सिल्कीनेस रहता है ना, वो सब चला गया एकदम। झाड़ू दिख रहा है ना? एक्चुअली मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो हेयर ऑयलिंग करती हूँ, कोशिश करती हूँ अगले दिन रात में करने की, बट 2-3 दिन से हेयर ऑयलिंग करना भूल जा रही हूँ। डेली सोचती हूँ कि आज रात घर जाके हेयर ऑयलिंग करेंगे, अगले दिन सुबह शैम्पू करेंगे, बट डेली रात को भूल जाती हूँ। तो मैं डेली जहाँ भूल ही जा रही हूँ, तो हाल देखिए बालों की कैसा एकदम बन गया है ना एकदम। तो इसीलिए मुझे अभी दोपहर में 2 बजे का टाइम मिला है अपने हेयर की थोड़ा सा ऑयलिंग करने के लिए। वो भी किस्मत खराब है, मैंने सोचा था कि नारियल का तेल से करूंगी आज हेयर ऑयलिंग। नॉर्मली मैं नारियल के तेल से करती हूँ, तो ये जो है ना ठंड में पूरा जम चुका है। मैंने सोचा था कि हेयर को सॉरी ऑयल को आज थोड़ा सा गर्म करेंगे, हॉट ऑयल मसाज करेंगे स्कैल्प पे, जो सर्दियों के मौसम में स्कैल्प के लिए एंड बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये तो पहले से ही जमा हुआ है, इसको गलाओ फिर गरम करो, बहुत झमेला है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, उतना टाइम नहीं है, तो गरम ऑयल तो होगा नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑलिव ऑयल। मैं कभी कभी ऑलिव ऑयल से भी अपनी हेयर ऑयलिंग करती हूँ, जो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ मैं मिक्स करूंगी विटामिन ई कैप्स्यूल एवियन 420। 2 विटामिन ई कैप्सूल मैं इसमें दे रही हूँ। अभी 2 बजे का टाइम है ना, तो अभी मैं हेयर ऑयलिंग जो करूंगी, ज्यादा देर मैं रखूंगी नहीं, सिर्फ 30 मिनट के लिए ऑयल को अपने हेयर पे रखना है, फिर हेयर वॉश कर लेना है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे इंडक्शन पे चाय चलाया था, बट इंडक्शन ऑन करना भूल गई, ब्लैक टी। यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे जो होता है चाय पीने का बहुत मन करता है, ठंड से आती हूँ बाहर से, तो लगता है कि ब्लैक टी पीऊँ। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी वेडी कर दिया, बात करते करते मैं इसको ऑन करना भूल गई, जो मैंने अब इसको ऑन कर दिया। तो जब तक चाय मेरी बन रही है, देखिए मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल के साथ 2 विटामिन ई कैप्सूल को ऐड कर दिया। चलिए अब इसको करते हैं अपने हेयर पे अप्लाई। जब तक मेरी चाय उबलेगी तब तक मैं अपने हेयर की ऑयलिंग कर लूंगी। ये दोपहर के टाइम में सच में रात को करो तो सही है, क्योंकि अभी धूप भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा ठंड लगने। आज मैं नहाऊंगी नहीं, ज्यादातर मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ तो फिर से नहा भी लेती हूँ, बट आज कुछ नहीं करना है। आज सिर्फ नॉर्मल हेयर ऑयलिंग और बाल को ऐसे सामने की तरफ करके हेयर वॉश करूंगी। ठंडी के मौसम में जितना बार भी चाय पियो बड़ा अच्छा लगता है, बट दूध वाला चाय नहीं, ब्लैक टी। थोड़ा सा अदरक, इलायची, तेजपत्ता ये सब डाल के, और घर पे अगर नींबू हो तो नींबू डाल दीजिए, जो हेल्दी भी होता है, बट दूध चाय नहीं। और मैं भी वही कर रही हूँ, मैंने भी अब ऐसे ही चाय चढ़ाया हुआ है, ब्लैक टी जो उबल चुका है। देखिए ऑयलिंग भी मेरा हो चुका। मैं जो हेयर ऑयलिंग आज मैंने किया ना, एकदम जल्दी जल्दी में मैंने किया, क्योंकि आज टाइम नहीं है। सोचिए 2 बज रहा है, अभी तक मेरा खाना भी नहीं बना है, तो आज मैं चोखा भात बनाने वाली हूँ। अंडा आलू चोखा भात, जो मैं घी के साथ खाऊंगी विथ हरी मिर्च, जो मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली आज अंडा पराठा खाने का मन रहता है, वो थोड़ा सा एग रोल के जैसा ही होता है, बट इतना लेट हो गया, अभी सर भी धोना है, तो मैंने सोचा कि नहीं चलो जब तक हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ तब तक मेरी चाय बन गई, और जब तक हेयर वॉश करेंगे तब तक मेरी चावल भी बन जाएगी। तो इसी तरह से शॉर्टकट में आज काम कर रहे हैं। एक्चुअल में जो मुझे खाने का मन था वो नहीं खा रही हूँ। तो देखिए बहुत ज्यादा हेयर में ऑयल भी मैंने आज दिया नहीं, बस स्कैल्प पे थोड़ा सा मसाज करना है।
आज मैंने ऑयल जो है ना बहुत ही कम लिया, नहीं तो मैं और ज्यादा ऑयल देती हूँ, एकदम चप 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 हो जाता है। रुकिए, कटोरी में थोड़ा सा तेल है बचा हुआ, एकदम से छान पोंछ के ले लिया। अब करेंगे थोड़ा सा स्कैल्प की मसाज इस तरह से, जो बहुत जरूरी होता है। सर्दी में हमेशा स्कैल्प को हॉट ऑयल से मसाज करो। हॉट ऑयल मीन्स मार्केट में जो हॉट ऑयल मिलता है वो सब ऑयल नहीं, गरम करके। पैराशूट का एक हॉट ऑयल मिलता है, मैंने कभी उसको यूज नहीं किया, बट उससे बेटर है, वो गरम थोड़ी रहता है। पता नहीं उसको हॉट ऑयल क्यों नाम दिया गया है, कुछ भी हो। देखिए, हल्के हाथों से स्कैल्प पे मसाज करना है, ऐसे भी नहीं मसाज करेंगे बाल ज्यादा टूटने लग जाए। चलिए, हो गई मेरी ऑयलिंग। अभी मैं बाल को ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके क्लिप लगा के छोड़ दूंगी। स्लिप हो रहा है मेरा हाथ, यहाँ पे बहुत सारा बर्तन भी आज निकले हैं। तो चाय छलनी भी जो है वो धुला हुआ नहीं है, बहुत सारा बर्तन रखा हुआ है जिसको भी साफ करना बाकी है। चलिए, चाय तो मेरी उबल चुकी है, मैं चाय में दे देती हूँ हल्का सा नमक। चलो, ये रहा चावल बनाने के लिए। चावल मैंने धो दिया, इसमें आलू चावल पानी सब दे दिया, अभी चढ़ाएंगे। चलो, चढ़ा दिया मैंने चावल, ये रही मेरी ब्लैक टी। अच्छा, चाय पत्ती थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ब्लैक टी का कलर बिल्कुल ब्लैक बन चुका है आज। थोड़ा सा मैं चाय पत्ती थोड़ा सा कम देती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही कम देती हूँ, क्योंकि चाय को मैं उबालती बहुत टाइम तक हूँ, जिसकी वजह से चाय का रंग पूरा काला पड़ जाता है, जो आज हुआ है। चाय पत्ती वैसे भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, एक चम्मच हनी मैंने दे दिया। और ये हनी का बॉटल जो है ना, पता नहीं कहाँ से लीक होता है, पूरा नीचे तक देखिए, इसको धो के रखना होगा। अभी गर्मी का मौसम नहीं है, नहीं तो फिर इसमें चुप्पी लग जाता है। प्लेट की हालत देखिए, ये देखो, ये पूरा हनी निकल गया, कहाँ से निकलता है पता नहीं चलता है। तो चावल मैंने चढ़ा दिया, आज आके पानी भी नहीं पिए। जब तक चावल बनेगा तब तक मैं अपना चाय फिनिश करती हूँ, इसके बाद बैठेंगे थोड़ी देर। मुझे ना भूख लग चुका है, बहुत जोर से भूख लगा है, तो मैं अभी क्या करूँगी। यहाँ पे देखो कितना काम पड़ा हुआ है, मैं छीमी मटर लेके आई थी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको छीलूँ बैठ के, ये रखे रखे खराब होने स्टार्ट हो गए हैं, आज इसको भी छीलना है। और इसको छील के पता है क्या करना है, चलिए अभी इसको कर ही लेते हैं। इसको छील के प्रिजर्व करके रखना है पूरे साल के लिए। इतना समय पूरा साल मेरा चलेगा नहीं, बट इसी तरह से मैं बार बार थोड़ा थोड़ा करके छीमी मटर मैं शॉप से लेके आऊंगी खरीद के, जिसको छील छील के मैं डिफ्रिज में रख दूंगी, जिसको थोड़ा 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 निकाल के मैं पूरे साल यूज करने वाली हूँ। क्योंकि मार्केट में जो फ्रोजन पीस मिलते हैं ना पूरे साल, वो बहुत महंगा होता है, उससे बेटर है कि मैं घर पे रखूं। अभी तो ठंड का मौसम है, तो अभी मार्केट में मिल भी रहा है, थोड़ा सा आसान है। तो ये देखिए, आज एग रोल बनाने के लिए मैंने मैदा और अंडा मैं दोनों लेके आई थी खरीद के, ठीक है, बट इतना लेट हो गया कि आज नहीं बनाएंगे। सो इन अंडों को मैं रख देती हूँ फ्रिज पे। दो अंडा मैंने निकाल लिया है बाहर, जिसको मैं अभी उबाल के खाने वाली हूँ विथ चावल। बस हो गया। तो अभी करेंगे क्या फ्रिज पे, चलिए इसको लेके चलते हैं। नहीं,
बर्तन नहीं मिल रहे हैं मुझे, इसको लेके चलते हैं क्योंकि इसके बाद इसको धोना भी है। तो चलिए अभी चलते हैं रूम पे इन सब चीजों को लेके, चाय भी पियेंगे साथ में छीनी मटर को छीलेंगे भी। इतना लेट हो चुका है ना कि आज कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हड़बड़ी हो चुका है। इधर खाना भी बनाना है, इधर ये सब करना है, फिर वीडियो भी करना है। और इधर घड़ी में 2:30 बज चुके हैं। सो सबसे पहले मैं जो करूंगी झटपट से, ये जो मैं बिस्किट लेके आई हूँ चाय के साथ, ये मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि हाथ फिर गंदा होने वाले हैं छीनी मटर को छीलने में। तो मैं जिस शॉर्टकट में आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो मैं इतने सारे छीनी मटर लेके आई हूँ इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आप अच्छे से छील लीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा धो लीजिए, सुखा लीजिए, फिर डीप फ्रीज में एक प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। डीप फ्रीज में रखना है, बाहर नहीं, हमेशा डीप फ्रीज में रखिए। बस स्टोर करके रखते जाइए, जब तक छीनी मटर मिल रहा है मार्केट में ठंड के मौसम में, रखते जाइए, फिर पूरे साल छीनी मटर खाते रहिए। बस इसी तरह से मैं छीनी मटर को स्टोर करके रखती हूँ ताकि मुझे पूरे साल वो फ्रोजन पीस मार्केट से खरीदना ना पड़े। तो मैंने ये वाला जो ये जो नुस्खा है आप लोगों के साथ भी शेयर किया, आप लोग भी कर सकते हो, अभी मार्केट में मिल ही रहा है और थोड़ा सा सस्ता भी हो चुका है। ये मैं लेके आई थी 35 रुपीज किलो, 1 किलो है। वापस थोड़ा सा और दाम कम होगा ना तो फिर और 2-3 केजी लेके आऊंगी और बहुत सारी छीनी मटर रिजर्व करके रखूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मैं चाय पी लूँ, ये वाला काम कर लूँ क्योंकि वीडियो में ये सारे दिखाने जाऊंगी तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा।